हजारीबाग के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सह हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के लिए हेमंत सोरेन को बधाई दिया। इन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीटों से 56 विधानसभा सीट हेमंत सोरेन एवं सहयोगी दल एवं नेताओं को जीत हासिल हुई और झारखंड राज्य को एक सांप्रदायिक आग में झोंकने से बचाने का काम हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगियों को झारखंड की जनता ने सौंपा, जो 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार, जल जंगल और जमीन की रक्षा करने, भूमि बैंक में 23 लाख हेक्टेयर जमीन है उसको खत्म करने, जोत आबाद गैर मजरुआ जमीन का रसीद काटने, विस्थापन एवं नियोजन नीति को बनाने, सरकारी पदों में 2,87,000 पद जो आज कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है इसे भरने एवं झारखंड में अलग राज्य आंदोलनकारी को चिन्हित करते हुए जो चिन्हित हो चुके हैं उन्हें पेंशन सहित अन्य सुविधाओं के मुहैया कराने का काम करेंगे, जिससे झारखंड की जनता पूरे विश्वास के साथ हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगों को इस बार कमान सौंपने का काम किया, जिसे मैं बधाई देता हूँ। यह जानकारी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने प्रेस वार्ता कर कहा। मौके पर शंभु कुमार अधिवक्ता, जिला सह सचिव निजाम अंसारी, महेंद्र राम, मजीद अंसारी सहित कई अन्य मौजूद थे। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 23 तारीख को, परिणाम घोषित हुआ और उसमें 81 से में से 56 सीट इंडिया गठबंधन को मिला है। हम इसके लिए भावी मुख्यमंत्री, पहले भी मुख्यमंत्री तीन तीन बार रहे, चौथे बार शपथ ग्रहण लेने वाले हेमंत सोरेन जी 28 तारीख को, हेमंत सोरेन उनके पूरे टीम को बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिन बातों का चुनाव में उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करने का काम करें, कि रक्षा जो लैंड बैंक है उसको खत्म करने का, गर्मजुआ जमीन का जो रसीद कटना बंद है उसको फिर से चालू करने का, विस्थापन और नियोजन नीति बनाने का, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं ये जो 2,87,000 लगभग जो सरकारी वैकेंसी है सरकारी पदों पर उसको एक प्रोग्राम बना करके समय निर्धारित कर उसको पूरा करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 साल में ये रोजगार देने का भी काम करेंगे। भ्रष्टाचार जो आम बात बने, अफसरशाही बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे, ये झारखंड की जनता को भी दे। और हम इसीलिए इनसे अपील करते हैं इन सारे मुद्दों को विचार कर एक उसको तुरंत शपथ ग्रहण के बाद इन बातों को पूरा करने का काम शुरू करें। पूर्व सांसद हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।